एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आए हैं बिजितुआ धाम। देखिए यहाँ का हरियाली कितना खूबसूरत है, और देखिए ये मेला देख के लौटे हुए हैं दर्शन करके। और देखिए यहाँ का हरियाली कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ हनुमान जी का मंदिर दिख रहा है जो कि उतना दूर है। देखिए दोस्तों कितना दूर है हनुमान जी का मंदिर, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं इसी रास्ते से। और देखिए यहाँ की हरियाली बहुत ही खूबसूरत है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए चारों तरफ ही हरियाली हरियाली, कहीं सरसों है तो कहीं गेहूँ है। ये देखिए रास्ता है जिसमें हम लोग चल रहे हैं। और देखिए ये इधर भी है, ये हमारा गांव है जो वहाँ से दिख रहा है। बताइए दोस्तों आप लोग कैसे हैं? हम रास्ते में चलते चलते बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हाफा जैसे आ रहा है, थोड़ा सा दम घुट रहा है, क्योंकि हम रास्ते में पैदल पैदल चल रहे हैं। देखिए यहाँ टेबल लगा हुआ है जो कि पानी से सींचा जाता है खेत को। देखिए ये टीवी इतना सा बड़ा है, इतना कुंडा है। और देखिए इधर गेहूं और सरसों दोनों साथ में ही हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। देखिए इधर भी हरियाली, इधर भी हरियाली। वो हमारा गांव दिख रहा है जो कि यहाँ से अभी थोड़ी दूर है। देखिए दोस्तों अभी यहाँ से थोड़ी दूर है, अभी हम चलते जाएँगे, फिर अभी थोड़ी देर बाद हम पहुँच जाएँगे अपने घर में, क्योंकि हम अम्मा के यहाँ आए हैं, भैया भाभी के यहाँ। यहीं से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का हरियाली है, जो कि यहाँ बिजितुआ धाम है। बिजितुआ धाम में ही आए हैं, आए थे दर्शन करने शिव शंकर भगवान का। यहाँ बहुत बड़ा महोत्सव लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है भोलेनाथ का। जो जो भोलेनाथ के भक्त होंगे वो कमेंट जरूर करेंगे। यहाँ देखिए चारा बोया गया है जो कि गाय भैंस बकरी को खिलाया जाता है। देखिए दोस्तों धीरे धीरे हम मुड़ चुके हैं अपने गाँव की तरफ। अभी हमारा छोटा सा गांव दिख रहा है। इधर देखिए कितना खूबसूरत, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ से जहाँ तक नज़र जा रही है हर चारों तरफ ही हरियाली हरियाली है दोस्तों। बताइएगा कमेंट में, जो शिव गुरु बाबा का पूजा करते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हर हर महादेव।